हेलो एवरीवन, मैं सनी गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका थ्री लेयर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्पलाइन 181 परामर्शकर्ता भर्ती 2020 के बारे में। जी हां दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को यह फेक न्यूज़ या फेक वैकेंसी लगती है वो बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दें, और जिन्हें इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन देखें तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि यह महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत यह वैकेंसी निकली है, और अगर हम इसकी पोस्टिंग या ज्वाइनिंग की बात करें तो आपको इसकी जो ज्वाइनिंग होगी वो सीएम हेल्पलाइन, जो कि आपने सुना होगा सीएम हेल्पलाइन 181 के नाम पर, यहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। वो भी किसके लिए होगी दोस्तों? सीनियर परामर्शकर्ता के। दोस्तों जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला हेल्पलाइन में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद हेतु आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, वरिष्ठ परामर्शकर्ता मतलब कि आपसे जो महिला हिंसक होती है या जिनके द्वारा शिकायतें की जाती है, जैसे महिला हिंसक, पारिवारिक हिंसा, तो इनके इन्हें आप परामर्श दे सकते हैं। जो बच्चे हैं उन्हें परामर्श दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉल सेंटर के रूप, कॉल सेंटर है जो 181 सीएम हेल्पलाइन का, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, अगर हम इसके आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इस वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि जो महिला एवं बाल विकास की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें, मैं वहाँ भी आपको इसकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की वह प्रोवाइड करा दूंगा। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस टाइप का पेज देखने को मिलेगा। इसी के माध्यम से इसी फॉर्म आपको फिलअप करके ऑफलाइन तरीके से जिस पते पर इन्होंने कहा है वहाँ पर सेंड करना है। कुछ पोस्ट के लिए ही आप आवेदन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम ना लेते हुए अगर हम बात करें, तो जिन लोगों की यह शैक्षणिक योग्यता है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो आपको अच्छी खासी सैलरी तो इसमें देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा था तो मुझे लगा कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एवं क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीजी मांगा गया है। दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों का मनोविज्ञान के साथ MSW है वह भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, महिला एवं कल्याण क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी तो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, मतलब आपकी जो न्यूनतम सैलरी है वो 25,000 रखी गई है। इसमें इंप्लीमेंट भी होगा, साथ में हर वर्ष आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, आपका आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। काफ़ी कम बच्चे इससे अप्लाई करेंगे, पोस्ट भी कम है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें अगर आप इसके लिए मान्य हो या इसे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।